The ABVP, or the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, a right-wing student group associated with the RSS, has announced a program to offer 75 students from various states an immersive experience in Northeast India, termed the Purvottar Adhyayan Yatra or Northeast Study Tour. The initiative aims to provide participants with unique opportunity to explore the rich cultures, traditions and natural wonders of the region. During this enlightening journey, students will have the chance to interact with different tribes, delve into local customs and explore historical sites amidst the picturesque landscapes of Northeast India. This endeavor draws inspiration from ABVP's long-standing program, the Interstate Student Lift Darshan Yatra, which has been running since 1966 and is ostensibly geared towards fostering national unity. Yagyavalkya Shukla, the ABVP's National General Secretary, underscored the Northeast states' emergence as significant educational hubs, signaling a positive development in the country's education sector. He noted that these states boast not only natural beauty, but also progress across various domains, promising prospects for the nation as a whole. Additionally, Shukla emphasized the increasing number of students from the Northeast venturing to different parts of the country for educational pursuits and other endeavors. He stressed the importance of initiatives aimed at helping students grasp the invaluable heritage of Northeast India, ultimately fostering a sense of unity amid diversity. एक बहुरंगी संस्कृति में नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. उसके ऊपर में पूरे देश भर के 75 स्टूडेंट्स कार्यकर्ता आकर के अध्ययन करेंगे और अपने अनुभव को लेकर के पूरे देश के रेस्ट इंडिया के अंदर में जाने वाले हैं. अभी रिसेंटली दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव संपन्न हुआ है और डूसू के इलेक्शन में एबीवीपी को जिस प्रकार से सपोर्ट डूसू के ड्यू के स्टूडेंट ने डूसू के अंदर में सपोर्ट किया है, उसके प्रति हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रति आभार प्रकट करते हैं. और कुल मिलाकर के डूसू का जो जीत है वो एक आइडियोलॉजिकली एबीवीपी का एक्टिविज्म का जीत है. और हम जिस प्रकार से स्टूडेंट इश्यूज को एड्रेस करते हैं, हम जिस प्रकार से स्टूडेंट के साथ 24/7 खड़े रहते हैं, कुल मिलाकर के हमारा एक्टिविज्म का जीत है, हमारी आइडियोलॉजी की जीत है दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव को लेकर के. अभी एक महत्वपूर्ण विषय पे मैं आप सभी के सामने, जिस प्रकार से मणिपुर के अंदर में घटनाएं घट रही है, मणिपुर की घटना देश के लिए और एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते मणिपुर की घटना पूरे देश को कहीं ना कहीं आज दुखित करता है. मणिपुर की घटना के बाद पूरे देश के अंदर में एक गुस्सा भी है. जिस प्रकार से दो छात्रों की हत्या होना, एक स्टूडेंट बॉयज स्टूडेंट गर्ल्स स्टूडेंट की हत्या होना और अभी तक डेड बॉडी का बरामद नहीं होना, कहीं ना कहीं मणिपुर के को लेकर के विश्वास जो मजबूती के साथ खड़ा था, कहीं ना कहीं विश्वास के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक दिखाई देता है. मैं मणिपुर की सरकार से और सीबीआई से दोनों से, कल सीबीआई ने जो लोग हत्या में शामिल थे उनको गिरफ्तार किया है, 6 लोगों की कल अरेस्टिंग हुई है. लेकिन इसमें और परी इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी थी उसको बाहर लेकर आने की आवश्यकता है. और एबीवीपी के नाते इस प्रकार की घटना का हम पूरे देश भर के अंदर में निषेध करते हैं कि मणिपुर की जो घटना हुई इस घटना को किसी भी स्वरूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. और हम मणिपुर में शांति और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की जो सवाल को लेकर के हम सभी समुदायों के अंदर में शांति की अपील करते हैं, ताकि हम मालूम है कि जिस प्रकार से देश G20 के बाद हम प्रगति के पथ पर तेजी से आज भारत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आज दुनिया की बड़ी इकोनॉमी के रूप में भारत का पहचान बना हुआ है, हर तरीके से जिस प्रकार से डेवलपमेंट भारत के अंदर में हो रहा है, वैसे मणिपुर के अंदर में अशांति होना ये भारत के लिए अच्छा नहीं. इसलिए मणिपुर में शांति बहाल हो उसकी हम सब लोग वकालत करते हैं. स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट का पार्टिसिपेशन होने वाला है दिल्ली के इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में. हम पूरे देश भर के युवा तरुणाई के सामने चर्चा करते हुए आने वाले समय में एजुकेशनल इश्यूज के ऊपर में, आने वाले समय के सोशल इश्यूज के ऊपर में हम चर्चा करते हुए एक एकेडमिक रिफॉर्म्स की ओर हम सब लोग जाने के लिए इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हम सब लोगों का आना हो रहा है. एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जिस प्रकार से नीट पीजी के अंदर में एक 0% करने का निर्णय भारत सरकार के द्वारा, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जो लिया गया है,
मुझे लगता है उसके कारण से परसेंटेज और परसेंटाइल को लेकर के एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर में। इसलिए मेरा डिमांड भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से, स्वास्थ्य मंत्री से है, इस भ्रम को दूर करने का प्रयास हो। जीरो परसेंटाइल का जो चर्चा पूरे देश के अंदर में हो रहा है, इसको लेकर के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर के, प्राइवेटाइजेशन को लेकर के कुछ सोसाइटी और स्टूडेंट के मन में जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उसमें मिनिस्ट्री को आकर के क्लियरिफिकेशन करना चाहिए कि परसेंटेज और परसेंटाइल के कारण से जो स्टूडेंट कम्युनिटी में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है उसको दूर किया जा सके।